सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, ऊपर से लाइफ लाइन के ऊपर करेंगे और फिर आने वाला टर्म किस प्रकार से बेनिफिशियल रहेगा उसके बारे में भी बात सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर फेट लाइन के ऊपर आते हैं, तो फेट लाइन आपकी गाढ़ी और फेल करके चल रही है यहाँ पर, जिसके कारण बचपन से ही ये हार्ड वर्क कराती है और कुल मिलाकर के इस प्रकार की फेट लाइन मेहनत के बाद ही बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देती है। यानी आपने हार्ड वर्क किया, इसके कारण आपको लक का साथ फिर उसके बाद मिला, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे चल करके ये रेखा चलने लग रही है और फिर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा बैलेंस जो है इसका बिगड़ने लग रहा है। और अभी जैसे आपकी 24 की एज है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर ब्रेक हुआ, बहुत थोड़ा सा ये टिल्टेड हुआ है और उसके बाद जाकर के अराउंड 25 और 26 के बाद ये सीधे आपके यहाँ देखेंगे तो सन और मरकरी माउंट की तरफ झुक रहा है। यानी आपको 25 से 26 के आसपास में वापस से कमबैक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, यानी 99% ये चांसेस अवेलेबल है, क्योंकि सन माउंट या फिर बुध की तरफ भी जब कोई फेट लाइन निकल के जाती है तो ये सक्सेस फ्रॉम बिजनेस को ज़्यादा इंडिकेट करता है, नेम फेम रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाला होता है और व्यक्ति अपना नाम वापस से स्थापित कर पाने में सक्षम रहता है, क्योंकि सन माउंट का एरिया भी इसके अंदर कवर होता है। इसीलिए 25 से 26 ईयर बेस्ट है और उसके बाद फिर वापस ये रेखा चल रही है और फिर एक और यहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा दिख रहा है, यानी 29 के एज में, तो ये टाइम पीरियड भी थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है, बट उसके बाद में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है और ये रेखा सीधे आपके हार्ट लाइन पर रुकी हुई है। इट मीन्स आपका हर काम कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर आके अटकता है, क्योंकि यहाँ पर जब फेट लाइन प्रॉपरली सेटन तक नहीं पहुँच पाती है तो ये एक प्रकार के ड्रॉबैक को इंडिकेट करता है कि यानी आप अपने मेहनत या एफर्ट से सब काम कर लेंगे, सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर के ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो एकदम से जो है अनसेटिस्फेक्शन आपको दे सकती है। नेगेटिव ये कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे जातकों के हाथ में, यानी इस प्रकार की जिन जातकों के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है, तो ऐसे लोग भी अपने लाइफ में फुली फाइनेंशियल कंफर्टेबल जोन में और हर प्रकार की सुख सुविधा के साथ रहते हैं, बट इन लोगों में अधिकतर मामलों में अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, यानी हर चीज़ होने के बाद भी चिंतात्मक स्वभाव रहता है, कुछ ना कुछ पाने की तलाश रहती है और खोने का डर भी रहता है, क्योंकि सैटर्न तक जब फेट लाइन नहीं पहुंचता तो किसी भी काम का प्रोमिनेंट रिएक्शन नहीं आता है। इसीलिए आपको सैटर्न को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के आपके हर काम में प्रोमिनेंट रिएक्शन आएगा। अब जो इतना बड़ा धोखा आपको मिला, तो उसके पीछे रीज़न ये भी है कि आपके जो यहाँ जो सन माउंटेन, यहाँ पर एक प्रकार से क्रॉस का साइन भी है। जब यहाँ क्रॉस का साइन होता है तो अपने ही लोगों से धोखा मिलना, अपने लोगों के द्वारा चीट होना, अपने लोगों के द्वारा पीठ पीछे छुरा खोपना, कोई भी काम करते तो उसका क्रेडिट प्रॉपरली ना मिल पाना या प्रॉपरली रिजल्ट ना मिलना, वहीं वर्क पे एक प्रकार से ध्यान ना लगना, मन जल्दी भटकने लगना, ऐसे मल्टीपल जो है इश्यूज फिर क्रिएट होने लगते हैं। लेकिन आपके हाथ में सबसे बेस्ट बात यही है कि ये जो क्रॉस का साइन है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ऊपर से हाफ फिश सिंबल की आकृति यहाँ बनी हुई है, देख पाएंगे आप ये फिश सिंबल की आकृति, जिस दिन फुली कंप्लीट हो गई आप अपने घर के कुलदीपक बन जाएंगे। कुलदीपक का मतलब वो होता है जिसमें आने वाली पीढ़ी भी आपके नाम से खाए बैठ करके, इतने ऊंचे लेवल तक पहुंचने के चांसेस को ये बताता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखें। अब जो ये इतना बड़ा इश्यूज आया तो इसके पीछे लाइफ लाइन के ऊपर आप नोटिस करिए, तो यहाँ देखेंगे कि लाइफ लाइन में एक ब्रेक आया है अराउंड आपकी 16 और 17 के एज में। तो ये टाइम पीरियड में अचानक से लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंजेस आया है 15 से लेकर 17 के एज के बीच में। उसके बाद आपका जो प्रोग्रेस लाइन निकला है वो निकला है करेक्ट 16 से 17 एज के बीच में, तब से जाकर ग्रोथ करना आपने स्टार्ट किया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी आपकी लाइफ में अराउंड 19 से 20 एज के बीच में बढ़ा है। यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी सुख सुविधा हो गई, रॉयल्टी इट मीन्स मनी हो गया, ये 20 के एज में सडनली बढ़ा है यहाँ पर। और अराउंड एक जो मंगल की रेखा आकर के इसमें मर्ज हुई है ये एज हो गई है 22, यानी 22 के एज में कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन और ऊपर से डिप्रेशन को ये इंडिकेट करता है। अचानक से जो धोखा मिला है या चोट मिली है उसको ये बताता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मंगल की रेखा जब ऐसे होती है तो व्यक्ति अपने ही निर्णयों के कारण जो है ज़्यादातर मामलों में नुकसान लेता है और आपके मामले में भी आप ही के खुद के निर्णय के कारण ही कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार का ट्रबल उठाया है। आपके निर्णय के कारण इट मीन्स पार्टनरशिप में निर्णय लेना आपका ही था, आना आपका ही था, तो उसको ये इंडिकेट करता है। वहीं जल्दबाजी और हड़बड़ी के द्वारा भी जो काम बिगड़ते हैं उसको भी ये बताता है। इसलिए पेशेंस लेवल अपने अंदर रखना और जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई काम न करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके यहाँ पर देखेंगे तो अराउंड 24 और 25 के एज में एक और यहाँ पर लाइन आ रही है, तो आपके मैरिज के चांसेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये मंगल की यहाँ पर रेखा होती है। और अगर यूनियन लाइन पर भी हम कंफर्मेशन करें तो यहाँ मुझे कुछ क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, तो ये साइड का मुझे पोर्शन आप भेजें। लेकिन जो सपोर्टिव लाइन है, एक तो 24-5
25 के एज में दिख रहा है, और दूसरा एक जो मेजर सपोर्टिव लाइन है वो 29 में दिख रहा है। तो दो चांसेस मैरिज के, एक तो 25 अप्रोक्स एज में और एक अराउंड 29 के एज के लमसम में। दूसरी बात कि लव मैरिज होगी या नहीं, तो यहाँ पर देखा जाए तो फेट लाइन आपकी कंटिन्यू चल रही है लेकिन हार्ट लाइन पर रुकी है, तो लव मैरिज के ऊपर भी इतना ज़्यादा बिलीव आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर बाय द वे नहीं होता है तो फिर आप इसके द्वारा भी टूट सकते हैं। इसीलिए अपनी मेंटेलिटी को पहले ही फिक्स करके चलें कि अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके अब ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर, तो यहाँ देखेंगे आपकी फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। शॉर्ट फिंगर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, तो आपके अंदर एनर्जी, स्टेमिना, जुनून, हौसला, पराक्रम ये बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। यही रीज़न है कि चीज़ों को पाने की चाहत आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है और लगन भी आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि शॉर्ट फिंगर जब होता है तो जैसे कोई भी थॉट माइंड में आया उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने लगते हैं, फुर्ती में काम करने लगते हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो, रिजल्ट भी जल्दी मिल सके। अब इस कंडीशन में खराब बात यह हो जाती है कि कई मर्तबा बिना सोचे समझे ही निर्णय ले लेते हैं, काम कर लेते हैं। अब उससे यह होता है कि टेम्पररी पीरियड ऑफ लाइफ के लिए आपको सेटिस्फेक्शन या सक्सेस थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस में नुकसान हो जाता है। अगर आपने यही बिजनेस लॉन्ग टर्म बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के क्या होता, मतलब पार्टनरशिप डिड या ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन या पूरे पेपर वर्क के साथ अगर किया होता, या पूरा नॉलेज रख करके, दूरदर्शिता रख करके, अगर टूटेगा तो क्या होगा या कैसे मैं क्लेम कर सकता हूँ, कैसे इस चीज़ को कम कर सकता हूँ, तो आपको इतनी ज़्यादा शायद दिक्कत नहीं होती। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपने फ़ायदा देखा, इमीडिएटली इन्वॉल्व हुए, डिस्टर्बेंस हो गया, इसीलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन आपका भाग्य अच्छा है, विश्वास रखिए, आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और खुद के दम पर अपना नाम स्थापित करेंगे, क्योंकि हाफ फिश सिंबल भी बनना बहुत बड़ी बात होती है सूर्य माउंट पर। ये साफ साफ बताती है कि व्यक्ति अपने खुद के मेहनत के बदौलत ही वो हाफ फिश भी जनरेट कर पाया, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा, अपने बात को स्पष्टता वह आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे, कोई भी ज़्यादा ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। वहीं मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देखने को मिलती हैं। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर सबसे ज़्यादा अलग हटके, तो आप अपने मन के मुताबिक ही सर्वाधिक काम करेंगे, सुन सबकी लेंगे, करेंगे अंततः अपने मन की, और आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आप अपने खुद को सबसे पहले सेटिस्फाइड करेंगे, ये एक तरीके से अच्छा भी माना जाता है। और यहां देखेंगे तो फिंगर के बीच में गैप्स भी ज़्यादा मेंटेन हो रहे, जो अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपका इस कारण से कम देखने को मिलेगा। फर्स्ट और थर्ड फिंगर लेंथ की लेंथ में फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा अच्छी है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बताता है, तो जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे ना ही हटे थे ना ही हटेंगे। और ये अच्छे लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे योगों को भी बताता है। फिंगर के ऊपर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा भी है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को बताती है, और आइलैंड्स जो है यहाँ पर एक प्रकार से जो फिंगर के नोड्स हैं ये भी डेवलप ठीक है, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद रहेगा। अंदरूनी मंगल और यहाँ पर फेलेंजेस आपके डेवलप्ड अच्छे हैं, तो इस कारण से फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना अच्छी रहेगी। थंब का शायद शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा। यहाँ देखें तो फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ दोनों की सेम है, फर्स्ट फेलेंज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो विल पावर ज़्यादा होती है, यानी पहले आप एक्शन लेते हैं उसके बाद थिंकिंग करते हैं, ये अब से नहीं करना है। कोई भी थिंकिंग करने के बाद ही एक्शन लीजिए, यानी लॉजिक लगा के ही कोई भी काम करिए, तभी आपको सफलता अच्छी मिलेगा। यहाँ पर यव का चिन्ह है, डेवलप्ड बट ओपन है, लाख रुपए भी सुबह में आपके पास रहेगा, शाम को पूछेंगे कहाँ गए आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि यव का चिन्ह जब ओपन हो जाए तो पैसा चाहे जितना भी आता है लेकिन रुक ही नहीं पाता, खर्चे बहुत ज़्यादा ही कराने वाला होता है, यानी मनी का लीकेज को ये इंडिकेट करता है। इसलिए पैसा अपने पास न रखना या पैसा आते से उसको फिक्स कर देना, इन्वेस्ट कर देना, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पर अगर परंतु अपने पास रखेंगे तो वो किसी न किसी वे में हाथ से फिसलेगा ही, चला जाएगा। पाम के साइज़ के विषय में बात करें तो ये प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक और बात है कि आपका जो थर्ड फिंगर है इसका झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो ये थोड़ा केयरलेस पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, तो थोड़ा जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना और प्रो कॉन्स देखना, यानी शुभ लाभ हर चीज़ का दोनों देखना, मेजर पॉसिबिलिटीज़ लाइफ की देखना कि अगर अच्छा हो रहा है तो बुरा में क्या हो सकता है या बुरा हो रहा है तो अच्छे में क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को एक प्रकार से अपडेट रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर होता है, यानी केयर थोड़ा सा अपने ऊपर और अपने सारे कार्यों के ऊपर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन वीक है, एक्शन जोन डेवलप ठीक है। इट मीन्स पहले आप एक्शन लेते हैं
और वो एक्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में इंस्पिरेशन मोटिवेशन किसी बात को लेकर आता है, यानी एक्साइटमेंट आता है, इसीलिए थिंकिंग करके काम करें। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु की आड़ी रेखा दयालुपन को सबसे पहले बताती है, किसी का दुख दर्द इजीली समझ सकते हैं और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को ये बताता है। गुरु माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो नॉलेज भले ही आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा जो है नहीं हो पाए, लेकिन आपके पास नॉलेज की कमी नहीं रहेगी। गुरु आपको नॉलेज बहुत अच्छा देगा और मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ और सक्सेसफुल रहने वाली है। आपके लेफ्ट पाम में देखेंगे तो फेट लाइन ही नहीं है, लेकिन राइट पाम में है। ये जीता जागता उदाहरण है कि व्यक्ति अपने खुद के मेहनत के बदौलत कितना कुछ जीवन में नहीं कर सकता है। अभी मैं उस पर भी आऊँगा, बताऊँगा उसके बारे में भी। बाकी यहाँ पर देखें तो गुरु की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के द्वारा या दान पुण्य धर्म के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ देती है। लाइफ में पीसफुल ग्रोथ और लक भी अच्छा डेवलप्ड होता है, तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ दान पुण्य या धर्म कर्म का कार्य हमेशा करते रहिए। गुरु अच्छा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी रहेगी, सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा रहेगा। सैटर्न माउंट फ्लैट है, ज़्यादा ये डेवलप भी नहीं है ना अंडर डेवलप है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और पता नहीं होता है कि आलस क्या है, तो इस कारण से ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलना थोड़ा आपको मुश्किल रहेगा। बीच की रेखा अच्छे नॉलेज एडवाइस गाइडर को बताती है, और सनलाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्रॉस का साइन भी हट रहा है, तो अभी आने वाले टाइम में वापस से नेम फेम रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा भी बोली यहाँ पर अवेलेबल है, तो बोल चल की कलर ठीक है देखने को मिलती है, ऐसा कोई डिमेरिट इसमें नहीं है। और हार्ट लाइन पर डायरेक्ट बात करें तो हार्ट लाइन को फ्लो यहाँ से सीधे निकलते हुए सैटर्न पर रुका हुआ है, जो मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस को इंडिकेट करता है, बट इसकी सपोर्टिव लाइंस सीधे गुरु तक पहुंच गई है, जो एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को बताता है। तो इट मीन्स आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं और सेंटीमेंट्स में बहुत जल्दी आ जाते हैं, यानी बहकावे में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, और यही रीज़न है कि गलत व्यक्ति पर भी ट्रस्ट कर लेना, अपने तरफ से 100% एफर्ट्स हर रिलेशन में देना, सबका भला चाहना, लेकिन रिटर्न में ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि एक तो क्रॉस का साइन भी वहाँ पर डेवलप था है अभी भी सन माउंट पे, और ऊपर से इमोशंस वाले लोगों के साथ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, पाम रीडिंग में ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा जरूरी है। और इमोशन फीलिंग अपने फैमिली लाइफ में रखिए, बाकी अनदर चीज़ों में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेचर सिग्नेचर बदल नहीं सकता है। इस नेचर को दूसरों के भलाई के लिए काम करिए, ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन इमोशंस या किसी पर ईजिली ट्रस्ट करना थोड़ा सा आपके लिए जो है नुकसानदेह रह सकता है। इसीलिए लव मैरिज करने पर पूरी जो यहाँ पर हस्त रेखा में ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रही है कि आपका लव मैरिज ना हो, लेकिन तब भी आपके बेनिफिट्स के लिए अपने माइंड में ये चीज़ फिक्स कर रखें कि अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो माइंड लाइन में मंगल का इन्फ्लुएंस आने के कारण बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करना वैसे योगों को बताता है। और अभी आपके माइंड लाइन से सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि एक शाखा यहाँ से निकली हुई है और ये एज हम निकालेंगे तो ये प्योर करेक्ट एकदम 25 एज आएगा। तो 25 एज में वापस से कमबैक करने के जो चांसेस है जो आपके फेट लाइन में भी दिख रहा था, अब देखिए इसके कारण हो ही रहा है कि ये फेट लाइन गई है और ये माइंड लाइन और हार्ट लाइन के द्वारा ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन बने हुए हैं, और ये पूरा जो एरिया है ये मंगल का होता है, और मंगल का जो कारक है वो है भूमि प्रॉपर्टी। इट मीन्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट है। करेक्ट 25 एज में नहीं होगा, लेकिन 25 एज से इन्वेस्टमेंट आपका करना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है, और आगे चल करके माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो रही है, तो कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रेट माइंड लाइन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है कि आप अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से कहना सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे, बेफिजूल की बातों में आपका दिमाग नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि कचरा आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इसके अलावा माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है तो चीज़ों को सहने की कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी लाइफ में जो लॉसेस प्रॉब्लम या ट्रबल आता है तो उसको व्यक्ति झेल सकता है, उसको ये बताता है। ऊपर से पुरानी छोटी से छोटी बातों को याद रख पाना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाना, वैसे योगों को भी बताता है। तो अब इस माइंड लाइन में स्टडी अगर कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो तो फिर मतलब क्या रहता है? कोई मतलब नहीं रहता। सिंपली बाहरी मंगल से भी एक रेखा आ रही है जो कूल और काम पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, यानी आपके अंदर एग्रेशन तो रहेगा लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन देखने को मिलेगा। वहीं डायरेक्ट आए लाइफ लाइन में, तो अभी लाइफ लाइन में और भी जो है मंगल की रेखा और शुक्र की तरफ से रेखा आकर के काट रही है। ये रेखा काट रही है आपको अराउंड 31 के एज में, और उसका तीन और रेखा काट रही है 36 के एज में, 36, 38 और 39। तो ये टाइम पीरियड में भी थोड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं है क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ है। तो लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी मेजर प्रॉब्लम या इतनी बहुत बिग इशू नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन्स चल रही हैं उसके टाइम पे जब ये स्ट्रेसेस आ रहा है, तो उस समय जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा तो किसी ना किसी का सहयोग बना रहेगा या ऊपर वाले की भी कृपा रहेगी, वो आपको हर प्रॉब्लम से निकालेगा। तो इस कारण से इसीलिए इसे देवदूत रेखा भी कहते हैं, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस आपके ब्राइट है क्योंकि मंगल की रेखा ही है। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा, फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट रहेंगे। मंगल का क्षेत्र जब डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जातक अपने मित्र सगे संबंधियों का हेल्प करने में कभी भी ना नहीं करते,
बहुत अच्छा ये योग रहता है। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, कामुकता को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार होने के योगों को बताता है। तो सुख सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक से अत्यधिक रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को भी बताता है, उसको ग्रैब करिए, आगे बढ़िए। और शुक्र ऐसा है जो आपको मस्ती बहुत ज़्यादा जीवन में देगा, मस्त, फन, लव, केयर, सब चीज़ें बेहतरीन रहेगी। तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है, बढ़िया। शुक्र आपको समृद्धि और प्रसिद्धि जीवन में देगा। केतु माउंट कंपेरेटिवली नॉर्मल है आपका, कोई साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट ऐसी है नहीं। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर हल्की हल्की अभी मर्करी लाइन डेवलप्ड भी हो रही है, अगर डेवलप्ड हो जाती है या सन लाइन भी डेवलप्ड हो जाती है, मर्करी लाइन जो भी, तो इस कारण से अगर ट्रायंगल बन गया, इट मीन्स पैसा जीवन में अच्छा आने भी लग जाएगा, रुकेगा भी और बढ़ेगा भी। इसीलिए बहुत पॉजिटिव योगास हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि लेफ्ट पाम में फेट लाइन नहीं है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ फेट लाइन है ही नहीं, और इनका, इन्होंने पहले ही कमेंट में कहा है कि पुअर फैमिली में जन्म हुआ है। आप देख सकते हैं कि डेस्टिनी क्या देती है और व्यक्ति अपने मेहनत से क्या कुछ नहीं कर सकता है। जीता जागता ये एग्जांपल है आपके सामने। तो ये जो है, इसीलिए लेफ्ट पाम को चेक किया जाता है कि व्यक्ति अपने साथ क्या लेके आया था और क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही मेहनत कर रहे हैं, बस करते रहिए। और जो जो बातों पर आपको हाईलाइट किया गया, उस चीज़ को ध्यान रखें, कोई मेजर इशूज़ नहीं होने वाला, और सूर्य के जो है रेमेडीज़ करने से सर्वाधिक लाभ मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।